बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। दुनिया में सुख के लिए लोगों ने क्या नहीं किया। भयंकर घमासान युद्ध होता रहा, इसलिए आपका धर्मशास्त्र गीता संपूर्ण आप्त पुरुषों ने सुख की क्या परिभाषा दी है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। आध्यात्मिक देश भारत के धर्मशास्त्रों में सुख की क्या परिभाषा है। आदि शास्त्र गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुखम आत्यत्तिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अति इंद्रिय वेति यत्त न चेवायम स्थितश्चलति तत्त्वतः। इंद्रियों से अतीत हुई केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, जो सुख है उसको अनुभव करता है। जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी भगवत स्वरूप को तत्व से जानकर चलायमान नहीं होता। दूसरा श्लोक, बाह्य स्पर्श स्व अशक्त आत्मा बिंदत्यात्मनि यत् सुखम से ब्रह्म योगी युक्तात्मा सुखम अक्षम मश्नुते। बाहर संसार के विषय भोगों में अनाशक्त पुरुष अंतरात्मा में स्थित जो सुख है उस सुख को प्राप्त होता है। वह पुरुष ब्रह्म योग युक्त आत्मा पर ब्रह्म परमात्मा के साथ मिलन से युक्त आत्मा वाला होता है, इसलिए वह अक्षय सुख का अनुभव करता है। अतः इन ईश्वर प्रायण पुरुषों में मैत्री से चित्त निरोध की दिशा मिलती है, निश्चित निरोध में सहायता मिलती है, क्योंकि उनकी संगति से जो भी उपलब्धि होगी वह साधना प्राण ही होगी, चित्त निरोध की दिशा में होगी। बच्चों को चाहिए कि इन सत्पुरुषों की संगत करें। कबीर अथवा भारत के जितने भी महापुरुष हुए हैं सब आदि शास्त्र गीता के ही अनुसरण करने वाले हुए हैं। क्यों कि भजन साधना भगवान स्वयं पढ़ाते हैं, बाह्य विद्या काम नहीं देती। जहाँ श्रद्धा से संबंध जुड़ा तो भगवान हृदय में ही तो होते हैं, हृदय से उस भक्त को उठा लेते हैं, हृदय से जागृत होकर उसका मार्गदर्शन करने लगते हैं। गुरु महाराज के हो शरीरिया पढ़ी लिखी नहीं है, आत्मा अंग्रेजियो जानत। कोई इंग्लिश में बात करे मैं बता दूंगा कि इसके मनोगत भाव क्या है। तो कबीर का कहना है कि झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद जगत चबे ना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। जगत काल का कलेवा है, कुछ मुख में है कुछ गोद में धरे, थोड़ी देर में खा लेगा। इसलिए सुख समस्त आप्त पुरुषों की वाणी में सुख एक ही प्रकार का है। आध्यात्मिक देश भारत में एक हरि की भक्ति, एक परम तत्व परमात्मा की शरण और भक्ति। तो श्रुति पुराण सद ग्रंथ कहाँ, रघुपति भक्ति बिना सुख नाहीं। सुखी तो ढूंढ रहे थे, कमठ पीठ जामे बरु बारा
बंध्या सुत बरु का हुई मारा। कछुए की पीठ में भले ही बार जम जाए, बांझ का लड़का भले ही किसी को मार डाले, जब है ही नहीं तो क्या खाक मारेगा। फूले ही नब भरु बहु विधि फूला, जीवन ले सुख हरि प्रतिकूला। आकाश में फुलवाड़ी खिल जाए, हरि से प्रतिकूलित जीव कभी सुख नहीं पाता। तिरसा जाए भरु मृग जल पाना, भरु जामे ही ससी सुबिखाना। मृग तृष्णा के जल से प्यास बुत जाए, रेगिस्तान में जो भयंकर जेठ के महीने में सूर्य तपता है ना, 50 डिग्री 55 डिग्री तापमान, पेड़ पौधे तो है नहीं, बालू तप गई तो भाप निकलने लगती है। जमीन से 4-5-6 फीट ऊंची, फिर लहर चलने लगती उस भाप की, जैसे बुटलोई में ढांप दो तो भाप निकलती है ना, ऐसी भाप। जितने भी प्राणधारी जीव है छोटी छोटी झाड़ियों में छिपे रहते हैं, और बड़ी आंखें वाला मिर्गा भी उसी में छिपा रहता है। बड़ी आंख होने से क्या होता है, दिखाई उसको कम देता है, निसमझ कम है उसको। मिर्गा सोचता है पानी, देखो ना नदी बह रही है, दौड़ के पी के आऊं तब बैठूं। दौड़ के पीने गया तो जहाँ भाप की लहरें बहती है वहाँ पानी नहीं, वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, तभी तो लहर उठ रही है, और झुलस गया, दूसरी ओर भागा, उधर लहर दिखाई पड़ी, उधर भागा, उधर भागा, इतने में आधा घंटा में उलट के मर गया। इसका नाम है मृग तृष्णा का जल। प्यास तो नहीं बुझती, मौत जरूर आ गई। तो तृष्णा जाए बरु मृग जल पाना, बरु जामे ससी सुभी खाना। खरगोश के सिर में सींग जाम जाए, अंधकार बरु रभी न सावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। अंधकार भले ही सूर्य को नष्ट कर दे, राम से विमुख है तो जीव कभी सुख नहीं पाता। हिमते अनल प्रगट बरु हुई, विमुख राम सुख पावन कोई। हिमालय पहाड़ आग में परिवर्तित हो जाए, यह असंभव कदाचित संभव हो जाए, राम से विमुख है तो जीव कभी सुख नहीं पाता। तुम बारी मथे घृत हो या भरू, पानी मथने से भले घी निकल आए, शिकताते भरू तेल, बालू पेड़ने से भले ही तेल निकल आए, ये असंभव है, कदाचित ये भी संभव हो जाए, लेकिन बिनु हरि भजनन भव तरिये, ये सिद्धांत अपील। हरि का भजन किए बिना कोई भव सागर पार नहीं हो सकता। भजन एक परमात्मा का है, तो गीता की दृष्टि में आत्यंतिक सुख है तो एकमात्र बाह्य स्पर्शों को त्याग कर एक परमात्मा चित्त को ध्यान में स्थिर करें। परमात्मा के साथ मिलन से युक्त आत्मा वाला है, इसलिए वह अक्षय सुख का अनुभव करता है। और नश्वर है सृष्टि, जिनके तेज के अंश मात्र से अनंत सूर्य चंद्र सृष्टि ब्रह्मा विष्णु देवता पैदा होते मरते रहते हैं, भला उन नश्वर में हाथ डालने से कैसे सुखी हो जाओगे। भजन एक परमात्मा का, गीता आपका धर्मशास्त्र।
दूसरा पॉइंट महापुरुष की पहचान, संत विशुद्धि मिले परि ते ही राम कृपा करी चितवां जे ही। विशुद्ध संत सामने बैठे होंगे तब भी आप नहीं पहचान पाओगे। भगवान मन बुद्धि से परे है, मन बुद्धि का निरोध करके ही जिन्होंने भगवत्ता को प्राप्त किया, तो ये क्षुद्र मन बुद्धि की पहुंची नहीं, मन बुद्धि से परे सत्ता को पहचान ले वो विशुद्ध संत उन्हें मिलते हैं। भगवान कृपा करके जिससे एक निगाह देख ले, इसलिए महापुरुष की पहचान उन्हें मिलती है। एक प्रभु में श्रद्धा स्थिर करके जो उससे पुकारे प्रभु को, उस नाम का जाप करें, ओम राम शिव किसी एक नाम का जाप करो, एक प्रभु के प्रति समर्पण के साथ। जहाँ श्रद्धा से लो लगी डोरी लगी तो भगवान जानते हैं कि मुझे पुकार रहा है, ये भी जानते हैं इसको क्या चाहिए, तुरंत वो भगवान का परिचय मिल जाएगा। भगवान खुद ही दे देंगे कि वो बैठे गुरु महाराज। विशुद्ध संत उन्हें मिलते हैं, भगवान कृपा करके एक निगाह देख लें। गुरु महाराज को आकाशवाणी हुई है, इस खंडहर मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज बैठे। एक बार और हुई, ये उज्जैनी कुंभ मेले में महात्माओं की भीड़ भयंकर, भक्तों की भीड़ भयंकर, वहाँ डुगडुगी पीटी जा रही थी। जो ऐरे गहरे महात्मा घूमते हो, जो गुरु के ने पीर के जाता पूछते हैं कौन है खड़ा कौन द्वारा, योग पट क्या प्रेम पट क्या, वो उदास न हो। शंकराचार्य के मठ में चले आवे कल सवेरे 9 बजे, सबको दीक्षित कर लिया जाएगा। तो गुरु महाराज ने सुनी ये आवाज तो बोले ठीक, जहाँ भी जाओ तो पूछते हैं अखाड़ा कौन द्वारा कौन, योग पट क्या प्रेम पट क्या, कल मैं जरूर ये आदि शंकराचार्य के अखाड़े में शरीक हो जाऊंगा, दीक्षित हो जाऊंगा। फिर पूछेगा कोई तो मैं बताया करूंगा, श्रृंगेरी मठ भूर भुवे गोत्र आदि शंकराचार्य का मठ, और निश्चय पक्का कर लिया। गुरु महाराज का नियम था रात को 2 ही बजे उठ के भजन में बैठ जाएं, जहाँ भजन में बैठे 4 बजे करीब आदेश मिला, तू कौन से मठ में शामिल होने जा रहा है, तुम्हारे गुरु ऐसा गुरु तुम्हारे ऐसा चेला इस समय संसार में कोई है ही नहीं, तू कौन से मठ में शामिल होने जा रहा है। महाराज कहें जहाँ आदेश मिला भगवान की ओर से, हम उसी भीड़ में उछल पड़े और कुंभ मेला छोड़ के 1 मील करीब दूर चले गए शिप्रा नदी के किनारे। मारो कहीं कुछ नहीं, सब जगह हिरने के चमड़े पर रख के कुत्ते का मांस बेच रहे हैं, चमड़ा हिरने का दिखाते मांस कुत्ते का, कहीं कुछ नहीं। महाराज का सदा के लिए भ्रम दूर हो गया, संत की सर्वोपरि लिस्ट में आ गए। तो ये सर्टिफिकेट भगवान देते हैं परिचय, उनकी पहचान तब मिलती है ये भगवान परिचय दे दे। इसलिए संतों की सेवा करें, एक प्रभु में श्रद्धा स्थिर करें और उन्हें पुकारें, उस 2-2.5 सौ के नाम का जाप करें। भगवान एक से सवा कभी हुआ ही नहीं। ये जो बहुत से 33 करोड़ देवता, इतने ही करोड़ भूत भवानी, ये सब धर्मशास्त्र गीता विस्मृत हो जाने का दुष्परिणाम है।
शस्त्र रह नहीं गया और 33 करोड़ देवी देवता सब का मंत्र और सब की किताब 40 चौपाई रख दो, नीचे ऊपर दोहा लिख दो तो देवी 40 साल, हनुमान 40 साल। इसलिए संतों की सेवा करो, एक प्रभु में श्रद्धा स्थिर करके उनके नाम का जाप करो। जिस दिन श्रद्धा से संबंध जुड़ जाएगा, लो लग जाएगी, भगवान को बैकुंठ से नहीं आना पड़ता। सबके उरी अंदर बरसत जानत भाव को भाव, सबके हृदय के अंतराल में निवास करते हैं। कब आप भाव से हैं, श्रद्धा से पुकार रहे हैं, कब ऊपरी से फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं, वो जानते हैं। जहाँ श्रद्धा से संबंध जुड़ा तुरंत बता देंगे, वो बैठे गुरु महाराज। फिर सदगुरु मिले जाए, जिमिशन से ब्रह्म समुदाय सारे संशयों भ्रम का निवारण हो जाएगा और सदगुरु के निर्देशन में जो साधना चलने लगी तो 4-5 महीने में भजन जागृत हो जाएगा। फिर तुम पढ़ोगे और भगवान पढ़ाने लगेंगे। साधन पथ के शत्रु कौन है? आदि शंकराचार्य ने कहा, एक शिष्य ने पूछा, भगवान साधकों के शत्रु कौन? क्या शत्रु है संति निजे इंद्रियाणी ताने व मित्राणी जीतानी यानी? शत्रु कौन भगवान? बोले अपनी इंद्रियां। और कौन जीत ली जाए तो वो भी मित्र बनकर मित्रता में बरतती है, परम कल्याण करने वाली होती है। गीता का ही अनुवाद किया शंकराचार्य ने। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, ओ हर्ष से इंद्रियों को रोककर मन से विषयों का चिंतन करता रहता है, कहता है मैं ज्ञानी हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ। अर्जुन दंभाचारी है, वो पाखंडी है। मन से और इंद्रियों को समेट कर संयत करके गीतोक्त नियत कर्म का आचरण करता है, कर्म करता है, वही सन्यासी और वही योगी होता है जो नियत कर्म का आचरण करता है। और इंद्रियां इधर उधर भटक रही और कहता मैं ज्ञानी हूँ, कौन सा कर्म करे? नियतम कुरु कर्म तुम, शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म को कर। यदि कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारी शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी। शरीर यात्रा जानते हो, हजारों विद्वानों ने टीका दी है कि शरीर निर्वाह, शरीर निर्वाह। चौथाई भारत तो कुछ तिनका नहीं टाला, ठाट से जिए और चले भी गए। शरीर निर्वाह नहीं, शरीर यात्रा। ये शरीर छूटा, दूसरा शरीर रिजर्व। काकभूषण ने 1000 जन्म तक शरीरों की यात्रा की, तब भजन जागृत हो गया। इस शरीर से गर्भवास की यात्रा में जो भ्रमण है, ये शरीर यात्रा है। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो शरीर यात्रा को पूर्ण कर देता है। यदि 1 जन्म और लेना पड़ा तो 1 पड़ाव तो की यात्रा अभी बाकी है, पूर्ण कहाँ हुआ? आगे जन्म नहीं लेना पड़े, शरीर यात्रा पूर्ण। यदि 1 संस्कार बाकी है तो 1 पड़ाव तो की यात्रा भी और 1 जन्म और लेना पड़ेगा। 1 पड़ाव तो की यात्रा बाकी, अंतिम संस्कार का मिट जाना और पुनः शरीर लेने के कारण का मिट जाना एक साथ घटित होता है। ये चित्त की निरोधावस्था है। जब संस्कार है ही नहीं तो मन के अंतराल में संकल्प विकल्प की लहर कहाँ से पैदा होगी? और संकल्प ही का दूसरा नाम मन है। जहाँ संकल्प विकल्प का निरोध हुआ, निरोध मन ही बिल्कुल शांत वाहिता हुआ, तत्सन वो
ज्योतिर्मय परमात्मा, कण कण में व्याप्त परमात्मा उस मन के धरातल पर प्रसारित हो जाता है। जहाँ माया रिले होती थी वहाँ भर परमात्मा रिले हो जाता है, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए उन्हें जानकर उसी में स्थिति मिल जाती है। उसी परमात्मा स्वरूप में जीव विलय हो जाता है, कम था जीव वो खो जाता है, अधिक है भगवान बच जाता है, जिसका नाम है प्राप्ति है। जानत तुम्हें हो ही जाइए, शरीर यात्रा पूर्ण हुई, जो मैं था तब तू हूँ नहीं, अब तू है मैं ना, प्रेम गली अति साकड़ी तबच दोन समाई। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, विषयों में विचरती हुई जिस एक इंद्रिय के साथ मन रहता है, वो एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष के मन को अपहरण करके ले जाती है और डुबा देती है। वो बहुत सरिता में हवा तूफान जैसे समुद्र में नाव को उलट पुलट के डुबा देती है, ऐसे जिस विषयों में विचरती हुई एक इंद्रिय के साथ मन रहता है, वो एक ही इंद्रिय इस युक्त माने संयत, अयुक्त माने असंयत विकृत इस अयुक्त पुरुष के मन का अपहरण करके ले जाती है और डुबा देती, जैसे तूफान समुद्र में नाव को उलट पुलट के डुबा देती है यात्रियों समेत। इसलिए अर्जुन, मन से इंद्रियों को संयत करके तू इस गीतोक्त नियत कर्म का आचरण कर, तू मुझे प्राप्त होगा। कर्म माने आराधना, योग विधि यज्ञ उसे कार्य रूप देना कर्म। अर्जुन, आत्मा ही शत्रु, आत्मा ही मित्र है। जिस पुरुष के द्वारा मन से इंद्रियां जीती गई है, उसके लिए उसी की आत्मा मित्र बनकर मित्रता बरतती है। अध्याय 6। और जिसके द्वारा नहीं जीती गई, उसके लिए उसी की आत्मा शत्रु है, शत्रुता बरतती है, अनंत योनियों में भरमाने वाली होती है। इसलिए अर्जुन, अपने द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार करे, अपनी आत्मा को अधोगति में न पहुंचाए। आत्मा ही शत्रु और आत्मा ही मित्र है। मन से इंद्रियां जीती गई उसके लिए उसी की आत्मा मित्र, नहीं जीती गई उसके लिए उसी की आत्मा शत्रु। इसलिए भजन किया जाता है। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।